हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नंबर्स क्लास फोर्थ पहला चैप्टर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों ने कक्षा एक दो और तीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में नंबर के बारे में पढ़ा, थोड़ा और आज स्टडी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे वन डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर वन डिजिट नंबर हैं। ये वन डिजिट के नंबर कहलाते हैं, यानी एक अंक की संख्याएं कहलाती हैं, सिंगल सिंगल में होती हैं। जैसे 0 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है स्मॉलेस्ट वन डिजिट के नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। 0 सबसे छोटी संख्या होती है वन डिजिट के नंबर में एंड 9 इज़ द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। यदि हम इनके लार्जेस्ट नंबर 9 में एक ज़्यादा उससे आगे बढ़े या एक ऐड कर दें तो हमें टू डिजिट नंबर मिलता है जो कि है 10। 1 मोर देन 9 इज़ 10, यानी 10 क्या होंगे, 9, 10 जो होगा 10 1s की वैल्यू के बराबर होगा, यानी 110 कहलाएगा। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग कंचे आपने देखे होंगे, कंचे आप खेलते भी होंगे, उन कंचों का एक ग्रुप हम बना देते हैं, जो मार्बल्स होते हैं उसके ग्रुप बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये पूरा कलेक्शन अलग अलग को एक साथ बनाने के बाद जब उनका एक ग्रुप बनाते हैं तो 10 1s की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये कितने की है, 10, तो उनका एक ग्रुप कहलाता है 10 1 10। ओके, 10 इज़ द टू डिजिट नंबर। यहाँ से टू डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, वन डिजिट टू डिजिट, पहला अंक दूसरा अंक, यानी दो अंक शुरू हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 11, 12, 13, लास्ट हमारा 99 होता है। इस प्रकार से बिगेस्ट नंबर जो हो जाएगा टू डिजिट का 99 होगा। आर टू डिजिट नंबर, सब टू डिजिट के नंबर्स हैं। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, 10 टू डिजिट की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर है। एंड 99 इज़ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 है। सेम थिंग जैसे यहाँ पर हमने वन डिजिट में की जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड करने पर टू डिजिट मिले थे, स्मॉलेस्ट नंबर मिला था, सेम यहाँ पर टू डिजिट का जो सबसे बड़ी संख्या 99 उसमें वो एक ज़्यादा ऐड कर देंगे या उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें 3 डिजिट की नंबर मिल जाती, यानी 100। ओके, 100 इक्वल्स 10 10s इक्वल 100। स्टूडेंट, आपने 10 रुपीज़ के 10 नोटों का कलेक्शन देखा होगा, उनको कलेक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 100, यानी 100। 10 10s, 10 10 रुपये के नोट इकट्ठे किए तो 100 बन जाता है। सेम उसी प्रकार से जब हम 10 10s का ग्रुप कलेक्शन करेंगे तो 100 होगा, यानी यहाँ से 3 डिजिट नंबर प्रारंभ हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3। तो 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, 101, 102, 104, 201, 241, 301, 372, 401, 468, 501, 601, 9, 87, etc. अल्सो 3 डिजिट नंबर, ये सबके सब 3 डिजिट के नंबर हैं। ओके, और जो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर्स होती है 100 होती है और लार्जेस्ट 999। 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और 999 इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 1 मोर देन 999 इज़ 1000। अब बात करते हैं 4 डिजिट की। जब हम 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं या उससे 1 आगे बढ़ते हैं तो हमें 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 4 डिजिट के जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 1000। अब काउंट करेंगे 4 डिजिट होंगे 1, 2, 3, 4, तो 1000 इक्वल 1000 इक्वल 1000। स्टूडेंट, मनी में आप बड़े इजीली समझ जाएंगे, आपके पास 100 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000, यानी 1000 में कितने 100 होंगे, 1000। ओके,
1000 इज ए फोर डिजिट नंबर, 1001, 1100, 1, सो ऑन, 8432 एक्सेट्रा आर फोर डिजिट नंबर। ये सब के सब फोर डिजिट नंबर आप काउंट करके देखें, 1234, 1234 फोर डिजिट के नंबर है। 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, 1000 फोर डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है। एंड 9999 इज़ द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, 9999 फोर डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रिवीजन किया जो आपने प्रीवियस क्लासरूम में 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट के जो नंबर हैं उनके बारे में पढ़ा होगा, उसका थोड़ा हमने रिवाइज किया जो आपके लिए बहुत आगे हेल्पफुल होंगी इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम आप अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।